नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे को ना भूपेश शर्मा जी मिले जो कि मंदिर के पुजारी है और वे हमें इस मंदिर के बारे में और जो इसकी हिस्ट्री है ना तो उसके बारे में हमें सब बताने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपसे भी कहूँ ना जो भूपेश शर्मा जी से इस मिलवा हूँ। नमस्कार, ये माँ कामाख्या का मंदिर है। ये कामाख्या जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में मूल शक्तिपीठ कामाख्या है। सती का देह का खान जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बना था। तो इसमें सती का प्राइवेट पार्ट गिरा रहा, जबकि सृष्टि का मूल पार्ट ही गिरा रहा, इसलिए इसको सबसे बड़ा तंत्रपीठ माना जाता है, क्योंकि माँ का मूलाधार यहाँ गिरा है। तो साधक के लिए मूलाधार जागृत करना सबसे पहले बात होता है। इसलिए क्या होता है, जो भी साधक हो, साधक के लिए मूलाधार जागृत करने के बाद में ही उसका साधक साधना का ये मिलता है। तो ये साधक के लिए भी उस तरीके से देखें तो साधक के लिए सबसे उत्तम स्थान है ये। और यहाँ में माँ का जूनी गिरा है, तो इसमें क्या होता है, इस स्थान का ये माँ है, नाम है कामाख्या, जो आपका कामना का पूर्ति करते हैं। जो आदमी सोचते हैं, जो माँ को जो प्रेयर करते हैं, उसका कामना का पूर्ति करते हैं। दैट मीन्स जो कामना आप लेके आते हैं वही पूर्ण होता है माँ कामाख्या का दर्शन करने से, यही मान्यता है, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। इसमें माँ का जूनी गिरा है, तो माँ का मंदिर का जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर के अंदर माँ का पिंडी है, जहाँ सती का प्राइवेट पर गिरा वही स्थान है। उसमें कोई मूर्ति नहीं है, आपको माँ का जूनी है उसमें जाके आदमी लोग जाके उसमें जल निकलता है, वो जल स्पर्श करना ही मेन काम है। उस जल स्पर्श करने से आदमी को मुक्ति मोक्ष प्राप्ति होता है। और इसमें इस पहाड़ के, इस पहाड़ जो है, इस पहाड़ को बोलते हैं नीलाचल पहाड़। जब ये पहाड़ पहले पर्वत बहुत ऊँचा था, जब सती का जूनी गिरा रहा तो ये बहुत धंसते गया नीचे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इसको धारण किया, इसलिए इस पहाड़ को, इसको त्रिमूर्ति धारक कहते हैं। और इस पहाड़ में आने के लिए भी आपको एक्चुअली स्पर्श करने से, इस पहाड़ से स्पर्श करने से उस परमिशन लेना पड़ता है, क्षमा प्रार्थना मांगना पड़ता है। तो इस मंदिर, इस पहाड़ का ऊपर में माँ कामाख्या का मंदिर का अलावा दशमहा विद्याओं का मंदिर है, जैसे काली तारा, छिन्नमस्ता, बगला, धुआवती, ये भुवनेश्वरी, ये सात मंदिर बाहर में है, बाकी त्रिविद्या मंदिर के अंदर में है, माँ षोड़शी, मातंगी और कमला। इस स्थान का मूल फेस्टिवल है आपको अम्बुवासी, साल में माँ का एक बार रजस्वला, जिसे माँ प्रकृति स्वरूप है, तो साल में एक बार माँ का रजस्वला होता है, वो जून महीना में पड़ता है, आषाढ़ मास महीना का मेघशिला नक्षत्र का लास्ट पार्ट और आद्रा का फर्स्ट पार्ट में वो फंक्शन होता है। उसमें तीन दिन मंदिर बंद रहता है और तीन दिन का बाद में मंदिर खुलते हैं। उसमें लाखों आदमी यहाँ अपने माँ को परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और उसके अलावा भी आपको सारे नवरात्रि में इसमें ज़्यादा भीड़ होता है, तो ऐसे इसमें हर महीना में कुछ ना कुछ फेस्टिवल इसमें रहते ही हैं। तो जैसे कि आप सभी ने अभी देखा होगा कि पंडित जी ने हमें कितने अच्छे से और कितने प्यार से माता रानी कामाख्या देवी जी के बारे में हमें भी बताया और उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताया, तो पंडित जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ उस माता जी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जर्नल लाइन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइन लगी और हम भी यहीं पे लगने वाले हैं अभी थोड़ी बहुत देर में। तो हमने अभी इस नीचे बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की थी, तो वो ऐसे बोला कि आपका ना 1-1.5 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा। तो फिर देखते हैं, और इससे आगे हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो माता कामाख्या देवी है ना, तो वहाँ पे इस वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। तो ठीक है गाइज, फिर गाइज हमने माता जी के दर्शन कर लिया और हमारी अब चलने की तैयारी होती है। लगभग हमारे 4 से 5 घंटे के अंदर में दर्शन हुए और अंदर माता का दरबार बहुत अच्छा था और सच में बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, और मन मेरा बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा है।